नमस्कार दोस्तों, एनके नौकरी क्रेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में आपको सम्मान ज्ञान से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सूर्य को अपने केंद्र के चारों ओर एक परिक्रमा को पूरा करने में कितना समय लगता है? तो सूर्य को अपने केंद्र के चारों ओर एक परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितना गुना अधिक है? तो 28 गुना अधिक है। दोस्तों यह हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। दोस्तों सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितना अधिक है? तो 28 गुना अधिक है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से 2-3 बार देख लीजिए। और किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। तो उस ग्रह का नाम होता है शुक्र होता है, जिसे होता है नहीं कहता पृथ्वी का होता है जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह मैं 2 बार इसलिए बोल रहा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। दोस्तों यहाँ गंगा नदी की लंबाई लगभग कितना है? तो गंगा नदी की लंबाई लगभग दोस्तों 2510 किलोमीटर है। दोस्तों गंगा नदी की लंबाई जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, दोस्तों गंगा नदी, और भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, जो तो आयरन ऑक्साइड के कारण कहा जाता है। तो यानी ग्रहों का रंग जो होता है वो किस कारण से होता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाया हूँ, ट्रिक के माध्यम से बनाया हूँ। तो वो भी आप देख सकते हैं कि शुक्र चमकीला किस ग्रह के कारण किस लिए होता है, इस तरह से वीडियो बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली कोठी सूरत में स्थापित किया था। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से तो हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत होता मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से किया था। दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक दोस्तों सलमान रश्दी है। अगला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा के संचालक कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के संचालक महादेव गोविंद राणा डे थे। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। पूना सार्वजनिक सभा के संचालक महादेव गोविंद राणा डे थे। और भारत का पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला शेयर बाजार मुंबई में स्थापित हुआ था, जिसे पहले बम्बई कहा जाता था। तो बम्बई में स्थापित हुआ था, अभी फिलहाल में मुंबई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। दोस्तों विटामिन से रिलेटेड सारी बीमारियों का ट्रिक मैं एक बनाया हूँ वीडियो में, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा ट्रिक है। कंप्यूटर की भाषा क्या होती है? तो कंप्यूटर की जो भाषा जो होती है वो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर में जो भाषा सपोर्ट करती है उस भाषा का नाम मशीन लेवल लैंग्वेज है। अब बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला, बांग्ला के रचयिता कौन है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार की छत रूप ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? यानी पामिर का पठार को कहा जाता है संसार की छत रूप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्ट कहा जाता है? यानी संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्ट कहा जाता है? तो भारत के संविधान के तीसरे भाग को होता है भारत का मैग्ना कार्ट कहा जाता है। और केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में स्थित है, गुजरात के भावनगर में स्थित है। हाल ही में यहाँ पे एक बोटिंग रोरो फेरी नौका सेवा का शुभारंभ किया गया है भावनगर में। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पेरियार योजना किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार योजना केरल राज्य में स्थित है, जिसमें इडुक्की बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सोवियत रूस की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? तो सोवियत रूस की खुफिया एजेंसी का नाम KGB है। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर होता है टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों हम अभयारण्य से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो अभयारण्य बिहार में स्थित है। ये अभयारण्य वाला एक ट्रिक के माध्यम से मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। गौतम बुद्ध अभयारण्य अभी फिलहाल बिहार में मौजूद है। गर्म पानी का अभयारण्य असम में स्थित है, देख सकते हैं स्क्रीन में, गर्म पानी का अभयारण्य जो है असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पखल अभयारण्य, पखल अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पखल अभयारण्य नया राज्य जो बना है 2014 में तेलंगाना में स्थित है। पहले आंध्र प्रदेश बोला जाता था, अब दो राज्य बन गया है, आंध्र से अलग हो गया, तेलंगाना बना है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, दो तीन बार पढ़ ही याद हो जाएगा इसके। अगला क्वेश्चन, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कवर किया हूँ। यहाँ पे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, घना पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है? तो घना पक्षी उद्यान दोस्तों राजस्थान में स्थित घना उद्यान है। अगला क्वेश्चन, मरु अभयारण्य कहाँ स्थित है? मरु अभयारण्य और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। ये दोनों अभयारण्य, मरु अभयारण्य और केवला देव राष्ट्रीय अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है, और गुजरात में बहुत सारे नेशनल पार्क स्थित हैं, गिर नेशनल पार्क उनमें से एक है। अगला है, टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी करने वाले बनाने वाले पहला बांग्लादेशी खिलाड़ी कौन थे? तो टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी करने वाले पहला बांग्लादेशी खिलाड़ी मोहम्मद अशरफुल थे। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार सबसे पहले ओटो हन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के तहत शुरू में बालिकाओं की विवाह योग आयु कितनी थी? तो शारदा एक्ट के तहत शुरू में बालिकाओं के विवाह योग आयु 14 वर्ष थी। स्त्री शक्ति पुरस्कार कितनी नारियों के नाम पर दिए जाते हैं? स्त्री शक्ति पुरस्कार जो है 5 नारियों के नाम पर राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी मूल के व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी मूल के व्यक्ति नेल्सन मंडेला थे। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से वीडियो का अंत तक देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1943 में आजाद हिंद फौज कहाँ अस्तित्व में आया था? यानी सिंगापुर में 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने किसे इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया था यानी निकाल दिया था? तो ब्रिटिश सरकार ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विसेज से हटा दिया था, बर्खास्त किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के पिताजी ने दिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव उन्होंने दिए थे, मोहनदास करमचंद गांधी ने दिए थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के खिलाफ अपनी उपाधि त्याग दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ अपनी उपाधि त्याग दिए थे, जो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जनरल डायर ने करवाया था। सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने का घटक नहीं है शिक्षा, जो है सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाला घटक नहीं है, प्रभावित यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय कहाँ के कुलपति बने रहे 20 वर्षों तक? मदन मोहन मालवीय जो होता है 20 वर्षों तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो के कुलपति बने रहे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ के कुलपति बने रहे।
कौन सी अवस्था को अधिगम का कठिन काल कहा जाता है, यानी क्या था, कौन सी अवस्था ऐसी है जिसको अधिगम का कठिन काल कहा जाता है, किशोरा अवस्था, जो हमारी आयु जो 21 वर्ष की होती है, 21 से 25 वर्ष, उसको अधिगम का कठोर कठिन काल कहा जाता है। मुगल काल में प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने वाली संस्था को क्या कहा जाता था, जहाँ शिक्षा दिया जाता था मुगल काल में उसे मदरसा बोला जाता था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किए थे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किए थे। इसको दो तीन बार पढ़िए, याद हो जाएगा। मेसाबी रेंज किससे संबंधित है, तो मेसाबी रेंज लो एस्क से संबंधित है, मेसाबी रेंज जो है लो एस्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है, तो जोहान्सबर्ग अर्थात सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, जोहान्सबर्ग में सोने की खान पाया जाता है, वहां सोना ही सोना पाया जाता है जोहान्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन है, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है, यानी पूरे देश में कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है, तो 10% भाग ही कृषि योग्य भाग है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है, तो यानी पाकिस्तान का जो समुद्र तट है उसका भौगोलिक नाम मकरान तट है, पाकिस्तान का समुद्र तट का भौगोलिक नाम मकरान तट रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है, जलोढ़ यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, पहले नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात किए, अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांगर के नाम से जाना जाता है, कन्फ्यूज ना होइएगा, दो तीन बार पढ़िए। रामायण किसने लिखा था, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखे थे, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किए थे। और महाभारत किसने लिखे थे, तो महाभारत महर्षि वेद व्यास ने लिखे थे, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने लिखे थे। बहुत महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था दोस्तों, जो महाभारत का युद्ध 14 दिन तक लगातार चलता आया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाभारत का एक अन्य नाम क्या था, महाभारत का एक अन्य नाम महासंहिता और महाकाव्य था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महाकाव्य किसका एक अन्य नाम था, ये क्वेश्चन बार बार SSC में पूछा गया था, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा घुमा फिरा के भी पढ़िए डिटेल्स में। मेघदूत किसने लिखा है, मेघदूत किसने लिखे हैं, तो मेघदूत कालिदास ने लिखे हैं, मेघदूत की रचना जो होता है कालिदास ने किए थे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन में देख सकते हैं, कादंबरी, कादंबरी की रचना किसने किए थे, कादंबरी यानी किसने लिखा था, कादंबरी वान भट्ट ने लिखे थे, कादंबरी की रचना जो होता है वान भट्ट ने किए थे। दो तीन बार लगातार मैं बोल रहा हूँ, दो तीन बार पढ़िए या वीडियो को पॉज करके दो तीन बार बोलिए, यहाँ थोड़ा टाइम भी दे रहा हूँ मैं। अवंती सुंदरी किसने लिखा था, तो अवंती सुंदरी दांडी ने लिखा था, यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम मिल रहा है, यहाँ पे आप दो तीन बार दोहरा सकते हैं दोस्तों इसको, अवंती सुंदरी किसने लिखा था, तो दांडी ने लिखा था, अगर नहीं दोहराएंगे तो मैं दो बार बोल दे रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। दीवान ए गालिब किसने लिखा है, तो दीवान ए गालिब मिर्जा अब्दुल खा गालिब ने लिखा है, दीवान ए गालिब मिर्जा अब्दुल खा गालिब ने लिखा है। गुल ए नगमा और अता ए गुल किसने लिखा है, गुल ए नगमा और अता ए गुल रघुपति शाह फिराक ने लिखा है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन में, मरणोपरांत में भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, यानी मरणोपरांत में सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री 1966 में थे। अब पहला भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्ण को मिला था, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न कब मिला था, तो सचिन तेंदुलकर जो भारत के क्रिकेटर हैं जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता था, 2014 में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मिले हैं। और वायुवन की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है, जाती जाती है, वायुवंत्र की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुवन की गति और दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है, वायुवन की गति और दाब को मापने वाला यंत्र अमीनोमीटर है। अगला क्वेश्चन, वायु की नमी को मापने वाले यंत्र कौन सा है, तो वायु की नमी को मापने वाले यंत्र हाइग्रोमीटर है, और जल की घनत्व को मापने वाला यंत्र हाइग्रोफोग है। तो कंफ्यूज ना ही, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जल के भीतर देखिए, यहाँ जल के भीतर ध्वनि को मापने वाला यंत्र हाइग्रोफोग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जल के भीतर ध्वनि को मापने वाला यंत्र हाइग्रोफोग है।
और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुर्दे के खराब हो जाने पर खून को किस मशीन से साफ किया जाता है। बहुत बार रिपीट हुआ है कि गुर्दे के खराब हो जाने पर खून को किस मशीन से साफ किया, एसएससी में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो उस मशीन का नाम डायलिसिस मशीन है, अक्सर हॉस्पिटल में देखे होंगे। कालाजार चिकित्सा की खोज किसने किया था, तो कालाजार चिकित्सा की खोज, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। कालाजार चिकित्सा की खोज ब्रह्मचारी ने किया था। चेचक की खोज किसने किया था, खोज से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया है दोस्तों, 2-3 दिन पहले ही बनाया, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चेचक का खोज जेनार ने किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मलेरिया का खोज किसने किया था, तो मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। मलेरिया का खोज पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा भी जाएगा, मलेरिया खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। कंपटीशन बढ़ गया इसलिए क्वेश्चन हर तरह से पूछे जा सकते हैं। एड्स की खोज लुक मोटा गालियर ने किया था। हर जगह से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को इजी में मत लीजिए। पेंसिलिन की खोज बहुत बार रिपीटेड है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेंसिलिन की खोज। पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। अगला क्वेश्चन, बीसीजी के टीके का खोज किसने किया था, बीसीजी का खोज किसने किया था, ग्यूरिन कालसेंट ने किया था। बीसीजी टीबी से बचाव के लिए बच्चों में लगाया जाता है बीसीजी का टीका। अगला क्वेश्चन, डीबीटी की खोज किसने किया था, डीबीटी का खोज केडलर पॉल मुलर ने किया था, डीबीटी का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे रेडियम की खोज, तो रेडियम की खोज किसने किया था, तो रेडियम की खोज मेरी क्यूरी और पोरी ने किया था। तो मेरी क्यूरी और पोरी ने रेडियम की खोज किया था, लगभग 1900 या 1800 ईस्वी में किया था, कंफर्म नहीं हूँ। और ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन की खोज सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। तो दोस्तों, इस तरह की रेगुलर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, हंसते रहिए और हंसाते रहिए और डेली हमारा वीडियो सुबह 6 से लेकर 9 बजे के बीच पाते रहिए। तो जय हिंद।